हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, जिसे आप स्टडी बाय सुमन एकेडमी के नाम से जानते हैं। आज का टॉपिक है हमारा झील, और झील से हमारा बात करें तो आपके एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसके पहले मैंने 16 क्लास करवा दी है, एनसीईआरटी की ये क्लास आपकी चल रही है, जिसमें आपका ये जो है 6 से 12 तक का पूरा सार है, ठीक है ना। तो ये जो क्लास है पूरा 6 से लेकर 12 तक के क्लास का है, सारे टॉपिक आपके कवर करवाए जा रहे हैं, और 16 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लीजिए। इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर आप खुद से भी जाकर देख सकते हैं। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिएगा और PDF ले लीजिएगा, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज की क्लास के हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है झील। झील की बात करें उसे आप हिंदी में, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लैक्स कहते हैं। भूतल के वे विस्तृत गड्ढे, ठीक है ना, गड्ढे होते हैं जो जल से भरे होते हैं। तो कोई एक गड्ढा है और ये जल से भरा है तो ये क्या हो जाएगा, ये झील कहलाने लगता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाने लगता है, झील कहलाने लगता है। और स्थल के आंतरिक भाग में स्थित होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, स्थल के आंतरिक भाग में स्थित होते हैं। बात करें कुछ झीलें होती हैं, जैसे कि कुछ झीलें स्थल के बाहर भागों में भी पाई जाती हैं, लेकिन ये अस्थायी स्थलाकृति के रूप में विकसित होती हैं। धीरे धीरे अवसादों से भर कर दलदल में उत्थान होने पर समीपी स्थल के बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ तो आपने तालाब वगैरह देखा होगा। तालाब क्या है, एक पहले समझ लीजिए झील की तरह होता है, फिर धीरे धीरे दलदल होने लगता है वो, और एक फिर धीरे धीरे वो समतल बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह हो जाता है। नदियों के मार्ग, इनके निर्माण होने का कारण क्या है, तो नदियों के निर्माण में परिवर्तन होने के कारण झीलों का निर्माण होता है। जब नदी का निर्माण, नदी मान लीजिए बहती जा रही, फिर कोई ऐसा जगह आता है, फिर ऐसे मोड़ जाती है, तो ये क्या है, ये झील का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह भी होता है। झीलें जो होती हैं मीठे जल की होती हैं, लेकिन अनेक स्थानों पर खारे जल की भी झील होती हैं। तो झील दो प्रकार से पाई जाती हैं, खारे पानी की झील और लवणीय झील, ठीक है ना। दोनों होती है, मीठे पानी की झील होती हैं। उत्पत्ति के आधार पर बात करें, झीलों का जो वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण पटल विरूपण के द्वारा उत्पन्न झीलें, अपनति झील जिसे आप बेसिट्रा वर्टिन लेक कहते हैं, तो यह नदी मार्ग में अपनति के उभर आने वाली संकरे और गहरी झीलें होती हैं, ठीक है ना। भ्रंश झील जो आपका गार्जिस लेक होता है, इनमें दरारें या फिर भ्रंश में जल भर जाते हैं। मान लीजिए कोई बीच में दरार आ जाती है और इनमें जल भर जाता है, तो ये क्या होता है, भर जाने से लंबी और संकरी या गहरी झीलें निर्मित हो जाती हैं, जैसे कि आपका सान एंड्रियास और क्रिस्टल स्प्रिंग जो झील है, ये ऐसे ही निर्माण हुआ है। तो सान एंड्रियास और क्रिस्टल झील का जो निर्माण है ये आपका भ्रंश झील से हुआ है। रिफ्ट घाटी की बात करें, रिफ्ट घाटी झील, रिफ्ट वैली लैक, इस घाटी में जल भरने से अफ्रीका में टांगनीका झील जो है और न्यासा झील रिफ्ट घाटी झील से निर्मित हुआ है, ठीक है ना। टंगानिका और झील और न्यासा झील। अगला है आपका ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झीलें, तो क्रेटर झील जो आपका ज्वालामुखी के मुख में निर्मित झील होता है उसे क्या कहते हैं, क्रेटर। इसमें क्या होता है, बारिश होती है और पानी भर जाता है, ठीक है ना। एक मिनट, ये क्रेटर है, ठीक है ना, ये क्रेटर, इसमें पानी जब भर जाता है तब ऐसा होता है। अगला है लावा क्षेत्र झील, लावा फ्लो लेक, या लावा के असमान बहाव के कारण, जब असमान रूप से बहाव होता है तब रिक्त स्थानों में पानी भर जाता है। लावा बांध झील क्या होता है, तो यह नदियों के प्रवाह मार्ग में ज्वालामुखी लावा प्रवाह के कारण अवरुद्ध जल मार्ग द्वारा इस झील का निर्माण होता है, ठीक है। हिमानीकृत झीलें क्या होती हैं, तो हिमताल झील, ये ग्लेशियल लेक होता है। हिमानी अपरदन के कारण निर्मित जो झीलें होती हैं वो आप जिसे कोरी या टार्न झील के नाम से जानते हैं, तो इसे आप कोरी या टार्न झील भी कहते हैं, हिमताल झील को। और पेटर नास्टर, पेटर नास्टर जो झील है, या पिड
मांट झील के नाम से भी जानते हैं, पेटर नास्टर या पिडमांट झील या हिमानीकृत झील होती है। तो ये दो तरह की झीलें होते हैं, हिमानीकृत हिमताल झील और पेस्टरनाटर। नदीकृत झीलें जो नदियों के द्वारा, गोखुर झील हो गया, प्रपाती झील हो गया, डेल्टा झील। तो गोखुर झील जिसे आप ऑक्सबो ले कहते हैं, नदी मार्ग के विसर्पण और पूना नदी द्वारा लघु मार्ग प्राप्त करने के बाद जो छोड़ दिए जा गए भूभाग में क्या होता है, जल गोखुर, ठीक है ना, का निर्माण हो जाता है। प्रपाती झील प्लगे जो पुल होती हैं उसमें आपका जलप्रपात के गिरने के स्थान पर निर्मित अवनमन कुंड जब विस्तृत हो जाते हैं तो प्रपाती झील का निर्माण होता है। डेल्टाई जो झील होता है ये आपका डेल्टाइक, इसका निर्माण नदियों द्वारा मुहानों, जब नदियों द्वारा मुहानों मुहाना जो होता है नदियों का क्षेत्र में अत्यधिक मंद ढाल आ जाती है, ठीक है, और भार के कारण मार्ग निरंतर प्रत्याग और बहुमार्ग द्वारा होता है तो डेल्टाई झील का निर्माण होता है। झीलों से संबंधित कुछ तथ्य हैं, लोपनूर झील ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चीन में है और यहाँ पर चीन का परमाणु परीक्षण होता है, ठीक है ना। तो ये लोपनूर झील चीन में है, परमाणु परीक्षण, चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान है ये। कनाडा में अथावस्का झील है, तो अथावस्का झील पूछेगा कहाँ पर है, ये कनाडा में उत्तरी अमेरिका, कनाडा में है, ठीक है ना। अथावस्का झील के समीप यूरेनियम सिटी स्थित है, ठीक है ना। तो यूरेनियम सिटी कहाँ पर स्थित है, अथावस्का झील के किनारे, और यह है कहाँ पर, तो ये कनाडा में। हूबर तथा बोल्डर नामक ये क्या है, एक कृत्रिम झील है, हूबर और बोल्डर। तो हूबर और बोल्डर एक कृत्रिम झील है, और इसमें बात करें कृत्रिम झील आपका कोले रेडो द्वारा ये क्या नदी पर निर्मित है, तो कोले रेडो नदी पर हूबर झील और आपका बोल्डर झील कृत्रिम झील है, ये निर्मित है। कनाडा की ग्रेट बैरियर झील जो आप सुने होंगे ये आर्कटिक बृहत होकर गुजरता है, तो कनाडा में ग्रेट बैरियर झील है जो कि आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर पूछा है स्थित झील कौन सा है, टीसो सिक्रू ये है कहाँ पर, तो ये तिब्बत में है, टीसो सिक्रू झील तिब्बत में है, ओके। तो ये झीलों का चार्ट है, इसे देख लीजिए। विश्व की प्रमुख झीलें हैं, एक तरफ नाम है और एक तरफ देश है और क्षेत्रफल, फिर उसकी गहराई। कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच में स्थित है और ये उसका वर्ग किलोमीटर है, तो ये तो पूछिएगा नहीं कितने वर्ग किलोमीटर में, आप फिलहाल इतना याद रखेंगे, ठीक है ना। ये तो सुपीरियर झील ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में स्थित है सुपीरियर। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या यानी अफ्रीका में स्थित है ये, ठीक है ना, अफ्रीका में। फिर आपका आता है ह्यूरॉन झील, ठीक है ना। फिर आपका आता है ह्यूरॉन झील, ये भी आपका कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। और मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, सिर्फ इकलौता मिशिगन झील है जो सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में, बाकी सुपीरियर झील हो गया, ह्यूरॉन झील हो गया और आपका जो है, तो ये आपका कनाडा और यूएसए के बीच में है। टंगानिका झील ये कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी के बीच में स्थित है। बैकाल झील ये आपका अकेला रूस में है, बैकाल झील सबसे गहरा झील है, ठीक है ना। फिर ग्रेट बैरियर झील है आपका, और ग्रेट जो ग्रेट बैरियर झील है ये आपका कनाडा में है। अरल झील सागर क्या है, इकलौता ग्रेट बियर जो झील है ये कनाडा में है। और मिशिगन झील आपका इकलौता जो है कि यानी जो कनाडा से सीमा नहीं लगता वो मिशिगन है, यूएसए में है। अरल सागर जो झील है तो रूस में है, अरल सागर, और हो गया आपका बैकाल झील हो गया, ये रूस में है। ग्रेट स्लेव झील ये आपका कनाडा में है, और ईरी झील आपका कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में स्थित है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट था आपका, जहाँ से आपके प्रश्न बनते, यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आप झील याद रखेंगे, बाकी आज की जो क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत छोटा सा 10 मिनट का क्लास था, आगे की क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे और टॉपिक रहेगा भू आकृति तथा उनका विकास।
जिसमें आपके बीपीएससी से प्रश्न बने हैं, मैं वो भी कल बताऊंगी, कल दिखाऊंगी प्रूफ के साथ कि बीपीएससी का पेपर आपका वहाँ से पूछा गया था, ठीक है ना। तो कल हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे, मतलब फिर से अपने अच्छे अपने टॉपिक पे चलेंगे सही तरीके से। आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।